अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरवा खालिक एंड माय टॉपिक इज़ द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। डेफिनेशन: द मूविंग एवरेज ऑफ अ पीरियड एम इज ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव एवरेज ऑफ एम टर्म्स एट अ टाइम। द डेटा सेट यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेजेस स्टार्ट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड एक्सेट्रा। इट इज़ डन बाई सेंटरिंग द मूविंग एवरेजेस बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ द टू सक्सेसिव मूविंग एवरेजेस। The moving average is commonly used with time series data to smooth out short-term fluctuations and highlight long-term trends or cycles. Moving average allows us to see any trend in the data. हम moving averages जो हैं वो इसलिए निकालते हैं ताकि हमें data के जो trend है उसके बारे में पता लग जाए। data जैसे कि बहुत लंबा होता है और data के छोटे छोटे parts करके हम उसकी averages निकालते हैं। एक जो अपर वैल्यूज़ होती हैं हम उनको जो है वो एक वन बाय वन स्किप करते जाते हैं और जो नेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं हम उनको ऐड करते जाते हैं और इस तरह हमारे पास जो है वो एवरेजेस निकल आती हैं जिनको देखकर जो है वो हमें ट्रेंड के बारे में पता लग जाता। साथ फार्मूलाज गिवन है थ्री ईयर मूविंग एवरेज के फार्मूला में हम वाई वन, वाई टू और वाई थ्री जो है जो कि वैल्यूज़ हैं उन तीन वैल्यूज़ को हमने ऐड किया है और उनको थ्री पे डिवाइड कर देंगे। और जब हम अब ये फर्स्ट थ्री का ग्रुप था, अब नेक्स्ट थ्री के ग्रुप में हम वाई वन को स्किप कर देंगे और वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर हो जाएगा थ्री ईयर्स मूविंग एवरेज। और फोर ईयर मूविंग एवरेज के अंदर हम फोर वैल्यूज़ जो हैं उनको ऐड करते हैं और उनको हम फोर पे डिवाइड कर देंगे जैसे हम सिंपल एवरेज निकालते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है। एग्जांपल के अंदर मैंने बुक के एग्जांपल में से ही थोड़ा सा डाटा लिया है। इसमें आप देख सकते हैं वैल्यूज़ जो हैं उनको थ्री ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहे थे तो हमने थ्री का ग्रुप बनाया है। पहले हमने तीन वैल्यूज़ का ग्रुप बनाया, 35.0, 35.8 एंड 40.9। अब इनकी जो सेंटर वैल्यू है वो है 35.8, तो हम इन तीनों को ऐड करके जो सेंटर वैल्यू है उसके आगे हम इसकी एवरेज लिखेंगे। ऊपर से भी एक स्किप कर देंगे और एक नीचे से भी वैल्यू स्किप हो जाएगी और ऐसे ही हम जो है वो 35.0 को फिर नेक्स्ट ग्रुप के लिए हम उसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वैल्यू हम 48.4 को ऐड कर लेंगे और फिर इनकी मिडिल वैल्यू 40.9 के आगे हम इनकी इनका सम लिखेंगे। उसके बाद हमने एवरेज ट्रेंड जिसको कहते हैं वो निकाला है तो हमने उसको सिंपली सिर्फ 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हम 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहे थे और वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने सम को 3 से डिवाइड करके लिखी हैं। नेक्स्ट है 4 ईयर मूविंग एवरेजेस। 4 ईयर के अंदर जो है वो हमारे पास जैसे कि इवन है, अगर ऑड वैल्यू होती तो हम उसके जो है वो ग्रुप्स बनाकर उनकी मिडिल वैल्यू के आगे लिखते थे, लेकिन 4 ईयर के अंदर जो है वो हमारे पास अगर हम उनको हाफ करें तो हमारे पास दरमियान में कोई वैल्यू नहीं बचती। इसलिए जब हम मतलब 4 ईयर का करेंगे तो जो सेंटर वाली दो वैल्यूज़ हैं हम उनके दरमियान में बिल्कुल लिखेंगे जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही। हमने इसी तरह जो है वो ग्रुप्स बनाकर उनका सम करके फोर वैल्यूज़ का हमने जो है वो उसके आगे लिखा, जैसे 35.0, 35.8, 40.9, 48.4, इन सब का जो है सम लिया और 35.8 और 40.9 के आगे दरमियान वाली लाइन जो आ रही है हमने उसके ऊपर लिखा है 160.1 जो कि इनका सम था। इसके अंदर फोर ईयर का है तो ऊपर वाली दो वैल्यूज़ और नीचे वाली दो वैल्यूज़ दोनों स्किप हो जाएंगी। ये हमने फोर क्वार्टर मूविंग, अभी हमने सिर्फ उसके फोर फोर का सम लेकर हमने उनके दरमियान में लिखा। उसके बाद आगे हमने उसकी जो वैल्यूज़ थी फोर क्वार्टर मूविंग की, अब उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया है, जैसे मतलब कि 160.1 और 180.7, इन दोनों को ऐड किया है और फिर मतलब इनके दरमियान में जहाँ पे 40.9 आ रहा था ये उस लाइन में आगे 340.8 लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो है वो 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो आगे हमारे पास मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड्स जिनको हम कहते हैं वो निकल आएंगे। 42.6 निकलता है फर्स्ट वाले का, ये 4 था इसलिए इसके अंदर हमारी ऊपर से भी दो वैल्यूज़ मिसिंग हो जाएंगी और नीचे से भी टू वैल्यूज़ मिसिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट माई टॉपिक जो मेरा टॉपिक है वो है वेटेड मूविंग एवरेजेस। इसकी डेफिनेशन है अ वेटेड एवरेज इज एन एवरेज दैट हैज़ मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू गिव डिफरेंट वेट्स टू द डाटा एट डिफरेंट पोजिशंस इन द सैम्पल। इसके अंदर जो है वो हमें डाटा के साथ जो है वो उनके वेट्स भी दिए जाएंगे और हम जो है वो सिंपली डाटा जो है
उसको जो है उनके रेलिवेंट वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसके आगे उसका ट्रेंड निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है WY, जो वेट्स हैं उनको हमने उनकी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है और उनको डिवाइड करना है समेशन W के साथ, सम ऑफ W जो टोटल वेट्स का सम है हमने उसको उसके साथ डिवाइड कर देना। ये एग्जांपल है 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज के, और वेट्स इसमें उसने हमें दिए हुए हैं 1, 2 एंड 1। इसके अंदर हमारा 3 ईयर्स का है तो हम 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, 2, 4 और 5 का ग्रुप जो है वो फर्स्ट बनेगा। इसके अंदर हमारे पास वेट्स हैं, पहला 2 है तो फर्स्ट वेट है 1, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करके वो प्लस करेंगे 4 × 2 + 5 × 1, तो ये बन जाएगा 15। और इसी तरह हम नेक्स्ट 3 के ग्रुप्स लेते जाएंगे और उनको जो है वो ऊपर वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके और हम उनके आंसर्स लिखेंगे। उसके बाद सम ऑफ W, जो वेट्स हैं उनका टोटल सम है 4, तो वो हमने लिखा है। उसके बाद वेटेड एवरेज जो है वो हमारे निकालेंगे, हम जो एवरेज निकाली हुई है 3 3 ईयर्स की उनको वेट से मल्टीप्लाई करके उसको जो है वो हम उनके वेट्स जो सम ऑफ वेट है उसका डिवाइड करवा देंगे। तो 15 को 4 से डिवाइड किया तो 3.75 आया। इसी तरह जो है वो हमने बाकी सारे वेट्स भी निकाल लिया।